हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये वीडियो है सैटरडे का, सुबह के 7 बजे हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। ब्रेकफास्ट में मैंने आज अपने लिए स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाई थी, जिसमें मैंने पनीर और तीनों टाइप की जो शिमला मिर्च होती है ना, येलो, ग्रीन और रेड, तो वो ले ली थी। बस उनको मैंने हल्का सा ऑयल में सोते किया था और उसमें मैंने थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल दी थी और इसके ऊपर थोड़ा सा बाद में नींबू का रस भी डाला था। तो बस यही मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ किचन के कुछ टिप्स, जो कि मैं वीकली ही प्लान करके रख लेती हूँ कि मुझे इस वीक क्या क्या चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है और सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो मैं उनको पहले से ही संडे को ही तैयारी करके रख लेती हूँ और बनाती एक वीक का ही हूँ। तो आप जो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो सबसे पहले काम है दही का। तो दही को भी मैं जमा कर इकट्ठा ही रख लेती हूँ फ्रिज में, तो बच्चों के टिफ़िन में देने में आसानी होती है। तो सबसे पहले दूध ले लिया है, दूध को मैंने कर दिया है वॉर्म और उसके बाद ले लिया है होटकेस। जैसा कि आपको पता है कि मैं दही होटकेस में जमाती हूँ और दही को मैंने अच्छे से होटकेस में चारों तरफ फैला दिया है। आप जिस बर्तन में भी दही को जमाते हैं उसमें बस एक ट्रिक अपनाइए कि उसमें दही को आप इस तरह से चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए, तो इससे दही जो है बहुत अच्छा जम जाता है। और मैं ज़्यादातर दही को रात को ही जमाती हूँ, रात को मैं उसे ऐसे लगा कर रख देती हूँ और सुबह तक वो अच्छे से जम जाता है। दही के बाद अब बारी आती है पनीर की। पनीर को भी मैं घर पर ही बना लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने 3 लीटर दूध ले लिया था। दूध को मैं अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दूँगी और पनीर अगर बना हुआ होता है तो टिफ़िन के लिए, अगर आपको सब्ज़ी बनानी है तो जल्दी बन जाती है पनीर की सब्ज़ी, जैसे कि आप पनीर भुर्जी बना सकते हैं या मटर पनीर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं पनीर को भी बना कर रख लेती हूँ। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है विनेगर। आप जितना दूध लें उसके हिसाब से आप विनेगर डालें, और थोड़ा सा पहले आप थोड़ा ही डालें, उसके बाद आप देखें अगर दूध आपका नहीं फटा है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें एक बड़ी करछी जो होती है वो भर कर डाल दी थी, तो क्योंकि मेरे पास दूध ज़्यादा था, तो ये अच्छे से देखिए फट गया है। अब मैंने एक बड़ी छलनी ले ली है, उस पर मैंने रख दिया है एक कपड़ा और पनीर को हम उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से बांध कर रख देंगे। तो मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है, ये मैं किचन के यूज़ के लिए ही रखती हूँ। इसमें इसी में मैं पनीर वगैरह बनाती हूँ या फिर जो स्प्राउट्स होते हैं वो भी मैं इसी में ही बना लेती हूँ। तो बस इसे हम अच्छे से बांध कर रख देंगे ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निचड़ जाएगा और ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा। अब मैंने ले ली है फ्रांस बीन्स, ये भी मेरी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने इनको क्या किया कि दोनों साइड जो होती है ना, इनकी ऊपर और नीचे की साइड, उसे हम कट कर देंगे। इससे जो है फलियां जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, तो इसको हम अच्छे से, और इसके बीच में आप चेक कर लें कि अगर कोई और ख़राब वाली है तो उसे आप फेंक दें। देखिए मैंने अच्छे से इन्हें साफ़ कर लिया है, धोना नहीं है, सिर्फ इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, ऊपर और नीचे से कट कर दिया है। अब मैंने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में मैंने इसमें जो टिश्यू पेपर होते हैं ना वो डाल दिए हैं। टिश्यू पेपर से इसमें जो मॉइस्चर है वो नहीं आता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो मैंने 2 से 3 टिश्यू पेपर इसके नीचे लगा दिए हैं। तो अब इसके अंदर हमने जो फ्रांस बीन्स को साफ़ किया है वो हम इसमें डाल देंगे।
देखिए पहले मैंने थोड़ी सी डाली है, उसके बाद फिर एक टिश्यू पेपर रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम बीन्स को रख देंगे। और उसके बाद सबसे ऊपर भी हमने 2 से 3 टिश्यू पेपर लगा देने हैं और बस इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे, तो इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी, आपकी 1 वीक तक आराम से चलेंगी। अगली टिप है चुकंदर की यानी बीटरूट। मेरे पास ये बीटरूट पड़ी थी तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, कई बार इनके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है तो उसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इसकी जो ये थोड़ी साइड्स थी मैंने हल्की सी कट करी है। उसके बाद मैंने लिया है कंटेनर, उसमें मैंने डाल दिया है पानी और उसमें हम बीटरूट को डाल देंगे। पानी के अंदर बीटरूट जो है एकदम फ्रेश रहती हैं और ख़राब भी नहीं होती है। अंदर मैंने गाजर भी डाल दी है, गाजर को भी मैंने साइड से ऊपर नीचे से कट कर दिया है तो इससे भी वो ख़राब नहीं होंगी और अच्छी चल जाती हैं, तो बस उसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब बारी है हरा धनिया की, तो हरा धनिया भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद कंटेनर में मैंने सबसे नीचे टिश्यू पेपर लगाए थे 2-3 और उसी के ऊपर भी मैंने ऐसे ही टिश्यू पेपर लगा दिए थे और बस इसको भी हम बंद करके फ्रिज में रख देंगे। इससे धनिया जो है आपका 1 वीक तक आराम से चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बस आप जब भी साफ़ करें तो ध्यान रखें कि उसमें कोई ख़राब पत्ता है तो आप उसको निकाल दें। अब मैं बनाऊंगी स्प्राउट्स। स्प्राउट्स भी मैं 1 वीक के लिए बनाकर रख लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने मूंग की दाल ले ली है, साबुत हरी मूंग की दाल। तो इसको भी मैंने रात को भिगोकर रख दिया था। देखिए अच्छे से आप धो लें और इसे एक रात पूरा भिगोकर रख दें और अगले दिन सुबह हम इसे अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद लिया है एक छलनी, छलनी के ऊपर हम रखेंगे कपड़ा, ये वही कपड़ा है जो मैं किचन के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस इस पे हम अपने जो दाल है भीगी हुई उसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से बांध देंगे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी ताकि इसके अंदर जो हल्का सा मॉइस्चर रहे जिससे ये जल्दी स्प्राउट्स हो जाएंगे। तो बस इसको हम ढककर रख देंगे तो 1 दिन में ये अच्छे से बन जाते हैं, अगले दिन सुबह ये बिल्कुल अच्छे से स्प्राउट्स बन जाएंगे। तो ये देखिए ये अगले दिन सुबह की है, तो इसे मैंने पूरा दिन और एक रात पूरी ऐसे ही रख दिए थे बंद के, तो अगले दिन सुबह जो है ये बिल्कुल अच्छे से बन गए थे। और स्प्राउट्स जो हैं बहुत हेल्दी होते हैं, आप इनका सैलेड भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और चीला वगैरह भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे स्प्राउट्स बने हैं। तो बस इसे भी मैं कंटेनर में डाल दूंगी और मेरे पास ये पहले के भी बचे हुए थे तो इसे मैं पहले निकाल दूंगी। चलिए पनीर को भी चेक कर लेते हैं। देखिए पनीर भी हमारा अच्छे से बन गया है। ये
देखिए पनीर हमारा अच्छे से बन गया है, तो इसको मैं एक सिल्वर फॉइल ले लेती हूँ, उसमें डाल दूँगी और उसके अच्छे से पैक कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे, तो इससे भी ये पनीर जो है ख़राब नहीं होता है। आप चाहें तो इसको पानी में भी डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसको ऐसे अच्छे से लपेट कर अच्छे से फॉइल में लपेट देती हूँ, तो ये इससे भी ख़राब नहीं होता है और ये 1 वीक बिल्कुल फ्रेश रहता है। और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ लोबिया, जिसके लिए मैंने लोबिया को अच्छे से धो लिया था और इसे मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। तो अब इसको हम डाल देंगे कुकर में। अब इसमें डाल देंगे पानी, मैंने 2 कप पानी डाला था इसमें। साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी ही लाल मिर्च। तो बस इसको हम बंद कर देंगे और बंद कर कर मैं इसको 5 से 6 सीटियां दिलवा दूंगी, उसमें ये अच्छे से गल जाएंगे। और तड़के के लिए मैंने ले लिया है प्याज, टमाटर, थोड़ी सी अदरक और लहसुन। तो बस इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तड़के के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई, इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा। 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाला है, उस जीरे को हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है। उसके बाद हमने जो प्याज और लहसुन अदरक काट के रखा था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेना है। प्याज भून जाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल भी डाला है, नारियल का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो बस प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और फिर इसे पीस लिया था। तो फिर उसी कढ़ाई में मैंने उस मसाले को डाल दिया है और इसमें मैंने अब ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि हमने ऑयल पहले से ही यूज़ कर लिया था। तो मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला तो हमारा पहले से ही भुना हुआ है, तो इसको हम ज़्यादा भुनेंगे नहीं। तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे पीसे हुए टमाटर। आप चाहें तो प्याज को पहले भी, जो कच्चा होता है उसको पहले ग्राइंड कर लें, फिर चाहे उसको भून लें अच्छे से। तो मैंने इसको पहले भून लिया था और बाद में ग्राइंड कर लिया है। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी कुछ सूखे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं इसमें। 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया था और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा छोले मसाला डाला था, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, या किचन किंग है आपके पास तो वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है और उसके बाद डाल दिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो बस मसालों को हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स और मसाले को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। देखिए
देखिए मसाला अच्छे से पक चुका था और मुझे थोड़ा मसाला ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा निकाल दिया है साइड में। इसे मैं किसी अलग सब्जी में यूज़ कर लूँगी। बस इसमें हमने जो बॉईल करी हुई जो लोबिया थी वो डाल देंगे इसमें। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने वही वाला यूज़ किया है जिसमें हमने रोंगी को बॉईल किया था। बस इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। देखिए लोबिया हमारा अच्छे से बन चुका है। बस इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। अब जो मेरे पास लोबिया बच गया था जो मैंने बॉईल किया है, तो उसको भी मैं एक कंटेनर में डाल दूंगी। तो इसको मैं फ्रीज कर लूंगी, जो आप जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं उस जगह पे आप इसको रख लें। तो जब भी आपको बनाना हो तो आप फ्रीज़ में से निकाल कर इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें और फिर आप इसको सब्जी में बना सकते हैं। तो ये अगर बच जाए तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। और आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही बॉयल होके पड़ी हुई है तो आप जल्दी से बच्चों के सुबह सुबह टिफ़िन में भी इसे बना सकते हैं। तो बस इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो देखिए लोबिया भी हमारा बन गया है, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म टेस्टी लोबिया, जिसको आप रोंगी भी बोलते हैं, तो चावल के साथ या रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इसके बाद हम रात को चले गए थे बाहर। एक्चुअली यहाँ एक प्रोग्राम था, यहाँ पर एक सिंगर आए थे पी गणेश जी, जो प्लेबैक सिंगर हैं। तो बस हम रात को सब वहाँ गए थे। So can I call on stage the choreographer of the Tamil Sangam dance? वहाँ पर बच्चों का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो सबसे पहले वहाँ पर डांस कंपटीशन था, बच्चों ने बड़ों ने सब ने वहाँ पर पहले डांस किया। Applause, guys. Let's give him a big round of applause. Thank you.
नेक्स्ट से दिल लगाने की कितनी हसरत है हमें तो बस रात को 11 बजे हम वापस आ गए थे। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।